दिल्ली में दो दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय राजधानी के हैदराबाद हाउस में सऊदी अरब के प्रधानमंत्री और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद के साथ बैठक की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पद के अधिकारियों को गिरफ्तारी से छूट देने वाले दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के एक प्रावधान को रद्द करने का उसका 2014 का आदेश पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील प्रशांत भूषण ने एक देश एक चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इसे लेकर प्रचार इसलिए कर रही है क्योंकि वह 5 राज्यों के चुनाव टालना चाहती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में आज सफलतापूर्वक संपन्न हुई G20 सम्मेलन अपने लक्षित उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में मजबूती के साथ आगे बढ़ चली है और यह एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य की भावना की सिद्धि में मील का पत्थर साबित होगी। जम्मू कश्मीर में आतंकी हर तरह से शहर में शांति को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय सेना उनसे एक कदम आगे चलकर उनकी अधिकतर कोशिशों को नाकाम कर रही है। कश्मीर में एक बार फिर से पाक के आतंकवादियों की साजिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया है। आज राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। आपको बता दें कि मोहन भागवत एक ऐसा नाम है जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मोहन भागवत दुनिया के सबसे बड़े स्वयं सेवी संस्थान माने जाने वाले राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 6ठे प्रमुख हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही बारिश से राज्य की राजधानी लखनऊ और अन्य जिलों में भीषण जलभराव हो गया है। लखनऊ में कल रात से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर लोगों से घर में रहने और सतर्क रहने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण के स्तर को कम करने की कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण बिक्री भंडारण और उपयोग पर फिर से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। राजस्थान के पेट्रोलियम डीलरों ने टैक्स कम करने की मांग को लेकर राज्य भर में हड़ताल की घोषणा की है। विरोध के तहत 13 और 14 सितंबर को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक राज्य भर में पेट्रोल पंप बंद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिभा जैन को अहमदाबाद नगर निगम का मेयर नियुक्त किया गया है, वहीं जतिन पटेल को डिप्टी मेयर बनाया गया है। Come on.